अस्सलाम वालेकुम। तो अभी बेसिकली हम निकल रहे हैं मीरनजानी के लिए। तो पहले हम नथिया गली जाएंगे अपने घर, और वहाँ उसके बाद हम जाएंगे कल, आज सैटरडे है तो कल हम हाइक करेंगे मीरनजानी की तरफ। तो अभी ये बॉयज आ गए हैं, बैठ रहे हैं, दूसरी गाड़ी आई थिंक फील्डर है, और हमारे साथ शयान खान फ्रॉम मर्दान बैठे हुए हैं। बाकी और देखते हैं, अब आस्ता से चलते हैं। जानी तो हम किधर जा रहे हैं और ये कौन सा रास्ता है थोड़ा लोगों को यार? बेसिकली हम लोग इस्लामाबाद से निकले थे, तकरीबन 4:30 बजे निकले थे। तो उसके बाद हम भारकाऊ रुके हैं थोड़ी देर, वहाँ से क्रॉस करके हम दो रास्ते होते हैं नथिया गली मरी जाने के। एक रास्ता होता है आप पुराना जो रोड, उसका जो सिंगल रोड है, लेकिन वो थोड़ा सा आई थिंक सिंगल रोड होता है, तो आने जाने की गाड़ियाँ आपको, अगर आपकी ड्राइविंग स्किल सही नहीं है तो आप दूसरा रास्ता होता है जो मरी एक्सप्रेसवे है, तो उसमें आप आराम से, आप टू लेन काइंड ऑफ मोटरवे ही है ये, तो आराम से आप ड्राइव करके, ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है रास्ता, तकरीबन 3.5 घंटे का पड़ जाता है। अगर दूसरी तरफ से जाओ नथिया गली तो वो तकरीबन 3 घंटे में आप नथिया गली पहुँच जाते हो। जो ड्राइवर साहब है वो है एहसन नवाज। एहसन नवाज हमें ठीक ठाक पहुंचाना है अपनी मंजिल पे। एहसन नवाज ठीक ठाक पहुंचाना है अपने मंजिल पे। 3 बजे पहुंचाना है, ठीक ठाक क्या होता है? 3 बजे नहीं, ठीक ठाक पहुंचाना है, सही सलामत दो हाथ दो पांव। हाँ तो हम जा रहे हैं नथिया गली की तरफ एहसन के रिहाइश पे। एहसन हमें सही सलामत उधर पहुँचाए तो गए पहुँच जाएंगे यार। मेरे तेरे क्या हो रहा है, 5:40 हो रहे हैं ना? अच्छा, तो तकरीबन 3 घंटों में हम नथिया गली से आगे कालाबाग जगह, वहाँ पे हमारा गांव है, रात वहाँ पे स्टे करेंगे। और कल का क्या प्लान है? कल का ये प्लान है कि बस अगर तुमने अभी हमें सही सलामत उधर पहुँचाया तो कल हम हाइक पे जाएंगे। किस कौन सी जगह पे? ये यार ये हमारे कलियात रीजन की टॉप पीक है, मुझे उसकी एग्जैक्ट हाइट नहीं पता, वो मैं चेक करके बता दूंगा। मीरनजानी की हाइट किसी को पता है कितनी है? हाइट कल मालूम करते हैं, गूगल करके अभी हम बताते हैं। सही है, कहीं जाना मत। अच्छा जी, तो हमने हाइट मालूम कर ली है गूगल साहब का यूज करके, अभी ऐसे ना आपको बताएंगे कितनी हाइट है। तकरीबन आई थिंक कितनी है अपना, फिर बोलिए हसन, 3000 मीटर है उसकी बुलंदी। और उसके बाद जो है वो तकरीबन ट्रैक है, बहुत अच्छा ट्रैक है, मजे का ट्रैक है। एक दो पीक्स है यहाँ पे जो लोग ट्रैक करते हैं, तो मशपूरी का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, तो मशपूरी तो बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, लेकिन मीरनजानी सबसे हाईएस्ट पीक है गलियात रीजन की, लेकिन वहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि उसका ट्रैक आई थिंक 3.5 घंटे का, 3 घंटे का उसका ट्रैक है वन साइड का। तो हम कल इंशाल्लाह संडे सुबह फर्स्ट टाइम निकलेंगे वहाँ पे, और फिर इंशाल्लाह वहाँ पे जाके देखते हैं। अच्छा, तेरे गांव जाके हमें कुछ क्या अच्छा खिलाएगा? तुम्हारे गांव की खासियत स्पेशलिटी क्या है? वहाँ खासियत कुछ भी नहीं थी, सारे लोग वहाँ से नथिया गली से सारे लोग चले गए थे, कुछ लोग एबटाबाद शिफ्ट हो गए हैं और कुछ लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हैं, तो इस वजह से वहाँ पे कुछ भी नहीं है। जानी हम तेरे गांव में, जो कुछ खाना है आपने तो साथ यहाँ से ले जाना, ठीक है? मतलब नो मेहमान नवाज़ी, मैट्रेस भी ले जाओ। सफर पे जा रहे हैं ना बंदा, थोड़े अच्छे पार्टी सॉन्ग लगाता है, पार्टी सॉन्ग लगाए हुए। अच्छा तुम क्या लगाना चाहते हैं आज? ब्लू है पानी, पानी पानी। हाँ बिल्कुल, पानी ब्लू ही होता है ना, वाटर इज कलरलेस, वो स्विमिंग पूल का पानी। कितने मजे का गाना लगा हुआ है, ये ऐसे एंजॉय करते हुए। एहसन भाई अपना सामान निकालते हुए, इंस्टा 360 लगा लेते हैं। अच्छा मतलब तू चाहता है कि पूरे एरिया को कवर करे? सारी किट रखी हुई है। अच्छा, कभी मैंने जिंदगी में खुद इसको नहीं यूज किया। और ये प्यारा सा व्यू भाई, जल्दी लेट हो रहे शाबा, तुमने हमें पहुंचाना भी है नथिया गली, पहुंचा दोगे 1 या 2 घंटों में? ये हमारे दूसरे बॉयज भी आ गए, ये हमारा लंगूर यासर, ये है हमारा वलीद छोटा वलीद,
यार ये सेटअप कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कौन सी जगह पे या तो एक एक हम इसके ग्लास के साथ यहाँ पे लगा सकते हैं, या दूसरी चीज मैं देख रहा हूँ ये भी ट्राई कर रहा हूँ कि बिल्कुल सेंटर में हो जाए ताकि व्यू अच्छा आ जाए। तो देखते हैं अगर इस पे इंस्टा 360 नीचे लगाते हैं, अगर तो होल्ड कर गया तो फिर तो ठीक है। 60 का सेटअप कर लिया, इस पे तेरी भी अभी शक्ल आ रही होगी। आ रही है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, बस मैं प्यारा आना चाहिए इसमें। हाँ प्यारा आएगा, बस ऐसे चौड़ा भी आएगा तो इसमें हंसना था। हाँ फूल असल में तेरे नाक के सामने लगा हुआ ना। लग गया हमें यहाँ पे पहुंचे हुए। अगर ये सामने देख रहे हैं तो ये डमी प्लेन कभी उड़ा करता था, लेकिन अब ये यहाँ पे है। वैसे मोस्टली यहीं पे इनके खड़े रहते हैं, जंग तो लड़नी नहीं है तो यही खड़े 23 मार्च के लिए ये खड़ा है जहाज। उन्होंने ये सारा घेरू किया हुआ है, यहाँ पे किसी को हिलने भी नहीं देते। अच्छा, नीचे सारे गाँव है ना, अब गाँव के लिए सारा इन्होंने जिस तरह हमारे गाँव में किए इन्होंने, बस एक छोटा रास्ता दे दिया, बाकी सब बंद कर दिया। घूम फिर के आना पड़ता है। हाँ घूम फिर के आना पड़ता है, ना इतना ही नहीं है। सब अच्छा जी, तो हम नदिया ये मरी पहुंच गए, मरी हम पहुंच गए, तो तकरीबन 6:22 हो गए। ये मरी हम बेसिकली कश्मीर पॉइंट की तरफ से आए हैं। ये अभी सामने आप इस मोड़ के सामने कश्मीर पॉइंट है। बेसिकली होता क्या है कि इसकी टॉप से आपको ये सामने की तरफ, ये बैक साइड पे आपको अभी नजर नहीं आ रही, लेकिन वो दूर कश्मीर के पहाड़ है और ये यहाँ से हम कश्मीर पॉइंट मरी से बेसिकली इसको देख सकते हैं। और अभी भी वहाँ पे ना पहाड़ों पे बर्फ है, तो ये एक अच्छा पॉइंट होता है, यहाँ पे बंदा रुक के थोड़ा सा रिलैक्स होके पिक्चर और पिक्चर्स ले सकता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे अभी बहुत, हम तो समझ रहे थे कि यहाँ पे ठंड नहीं होगी, हाफ स्लीव्स पहने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आके अच्छी खासी ठंड है यहाँ पे। तो अब हम थोड़ी देर यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लेते हैं और फिर निकलते हैं नथिया वैली की तरफ।
चानी क्या निकाल रहा है? क्या ठंड लगी है तुझे? अभी तो यहाँ पे मरी पहुंचे आगे नथिया गली, और कल तूने मीरन जानी की हाई करनी है। हवाओं में बहुत ठंडक है, ठंडक बहुत ठंडक है ना। चल अभी क्या सीन है, अभी यहाँ से कुछ चीजें हम उठा लें। जी, खाने शाने की चीजें उठाएंगे, थोड़ा शॉवल वगैरह की चीजें उठाएंगे। ये अगर आप बेसिकली इस्लामाबाद से आते हैं तो यहाँ से निकलते हैं और ये कश्मीर पॉइंट, अगर इस तरफ सीधा जाएंगे तो ये आप यहाँ से नीचे नथिया गली की तरफ रोड जाएगा। पहले नीचे मरी, एक नीचे मरी ये सारा कनेक्ट होता है, फिर वहाँ से राइट हो जाना है। तो वो जो राइट बेसिकली आप एबटाबाद या उस साइड पे आप चले जाएंगे। अगर वहाँ से आगे राउंड अबाउट से लेफ्ट हो जाए तो वापस इस्लामाबाद की तरफ चले जाएंगे। दूसरा, आपने अगर यहीं से मरी मॉल रोड की तरफ जाना है तो आपको यहाँ से आप सीधा, आप देख रहे होंगे ये आई लव मरी लिखा, और आप सीधा यहाँ से आप मेन मरी माल रोड पहुँच जाएंगे। तो ये अभी हम टुंगा गली पहुँच गए हैं और यहाँ से तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव है नथिया गली तक। ये सामने मोर होटल है और यहाँ पे ऊपर यहाँ से हाइक भी होती है एक मशहूरी की तरफ, वो तकरीबन हाइक होती है 2-3 घंटे की हाइक होती है। तो वो तो हाइक काफ़ी दफा हम कर चुके हैं, तो शायद थोड़ा लेट निकले थे, 5 बजे निकले थे। तो बाकी अभी यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ हैं तो हम देखते हैं। ये आफाक होटल है यहाँ पे सामने, इसकी सज्जी बहुत मशहूर है यहाँ पे लोग, अच्छा व्यू भी आता है इसके साथ। तो हम सोच रहे हैं कि यहीं पे कहीं गाड़ी पार्क कर लें और खाना खा लें यहाँ पे। और यहाँ पे एक दो चीज़ें और हैं कि ये आफाक होटल की सब्जी वगैरह और बाकी जो मर्जी खाना है, और आगे एक आता है पटाखा चिकन। अच्छा। बहुत ही स्पाइसी, और अगर किसी को स्पाइसी फूड पसंद है तो वो मिर्चें वो साथ देते हैं, उस मिर्चों का मुझे नहीं पता। बट कढ़ाई भी इधर है, ऐसा हमें बट कढ़ाई खिला सकते हैं अगर चाहे। बट कढ़ाई भी यहाँ है, तो क्या कहते हो, बट कढ़ाई बैठ जाए। ये सामने आपको ये पटाखा रोस्ट, आपको ये जगह यहाँ पे वो पटाखा हाउस बहुत पुराना था, अब इन्होंने बहुत अच्छा करके बना दिया। पहले ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, अभी तो इन्होंने ताज होटल भी साथ खोल लिया है। तो और ये पूरा प्लाजा नया बन गया है, ये लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो अच्छा है, जब भी फैमिली के साथ आए पटाखा चिकन खाएं। नथिया गली आफाक होटल, और यहाँ पे सबसे इनकी बेस्ट चीज़ सज्जी ये है। तो सज्जी ये तैयार हो रही है यहाँ पे, क्या बात है। हाँ, थोड़ा सा हाथ भी गर्म कर लेते हैं क्योंकि अच्छी खासी ठंड है। टिक्की शिक्के बन रहे हैं यहाँ पे, और आउटडोर भी जगह है यहाँ पे इनकी, और सही दिन को तो व्यू होता है और रात को कोई ऐसा ख़ास व्यू नहीं है यहाँ पे, और अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन अच्छी जगह है, बाहर भी बैठ सकते हैं और अंदर भी इनका, ये यहाँ पे अंदर भी इनकी जगह है तो वहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं। खाना आ गया भाई, ये एक ही जगह पे सारे टिकट डाल दिए। ये अपना फूड ब्लॉगर है, ब्लॉगर काइंडली आप जरा हाथ हटाइएगा। अच्छा, उसामा भाई भी यहीं पे हैं, दूसरी गाड़ी में थे। अहमद भाई हेलो कर रहे हैं। क्या बात है, चोरी तूने ले ली है। सही से कैसे बनानी है? ऐसे इस तरह पकड़ के कावा भाई, ग्रीन टी। क्या बात, ग्रीन टी कौन पिएगा? नथिया गली खाना खाने के बाद ये हम कालाबाग पहुंच गए हैं। तकरीबन 10 मिनट का सफर है वहां से, और अब हम यहां से कालाबाग एयरबेस, और यहां से हम नीचे हो जाएंगे। गाँव का नाम हमारे कालाबाग ही कहते हैं, नीचे जो गाँव है वो आता है केरी राय की और समथिंग। यहाँ से आप सज्जी कोट को भी जा सकते हैं और हवेलियाँ को भी जा सकते हैं। तो कालाबाग से जब हम नीचे पहुँचे हैं तो ये यहाँ पे ग्रिड स्टेशन है एक, इस ग्रिड स्टेशन ये 132 kV ग्रिड स्टेशन है वाबडा का बेसिकली। यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे, गाड़ी पार्क कर ली है यहाँ पे, अब हम थोड़ा सा
थोड़ी सी ये मेन रोड से, अभी रात को, रात के टाइम कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो मेन रोड से तकरीबन 10 से एक मिनट की वॉक है नीचे। तो हम रात को अपने घर, हमारा जो बेसिकली आबाई घर है, हम वहाँ पे रात को ठहरेंगे। 8:15 ओके, ठंड है, सही मज़े की ठंड है। ये दूसरी तरह ब्लॉग ऐसा, ऐसा भाई ऐसे बनाते टेढ़ा, ऐसा भाई यू भाई चाबी मिल गई है। डॉक्टर कौन से वाला?